नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों में बजट 2024-25 पर चर्चा फिर शुरू। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर बजट पर राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर कल कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे। गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी। मौसम विभाग का अगले कुछ दिनों के लिए पश्चिमी और मध्य भागों में बहुत तेज बारिश का अनुमान। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आसियान मैकेनिज्म की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर लाओस पहुंचे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। और भारत का पेरिस ओलंपिक अभियान शुरू। व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में तीरंदाजी की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में आम बजट और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट पर आज चर्चा फिर शुरू हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज विपक्षी नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने देश के जनादेश का अपमान किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश चाहता है कि बजट पर एक सार्थक चर्चा हो, लेकिन कुछ दलों के नेताओं की टिप्पणी और भाषण से सदन की गरिमा गिरी है। श्री रिजिजू ने विपक्षी दलों के लोगों से जनादेश का सम्मान करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हवाला देते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि चुनाव खत्म हो गए हैं, अब विकसित भारत की दिशा में काम करने और केंद्रीय बजट पर रचनात्मक चर्चा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं ने बजट पर कुछ नहीं कहा, वे सिर्फ राजनीति करते रहे। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि बजट का लक्ष्य भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और इस बजट में महिलाओं किसानों के साथ साथ रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवंटन का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया कि बजट ने लोगों को निराश किया है। उन्होंने संसद भवन में डॉ बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थानांतरित करने पर सवाल उठाया। श्री चन्नी ने आरोप लगाया कि इस बजट में पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में बाढ़ से प्रभावित पंजाब के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने कल लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा की गई टिप्पणियों पर आपत्ति दर्ज की है। सदन में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और अभिजीत गंगोपाध्याय की बीच तीखी बहस हुई। आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने भाजपा सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सांसद द्वारा की गई टिप्पणियां उचित नहीं है और सदन की मर्यादा के खिलाफ है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस टिप्पणी पर सांसद को चेतावनी दी गई है। उन्होंने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया। राज्यसभा में चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किसान, गरीब और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों के कर्ज माफ करने के लिए बजट में कई प्रावधान नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसानों को खाद्यान्न पर पर्याप्त न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे रही है। सरकार ने कहा कि उसे अपने नागरिकों की जम्मू कश्मीर और देश के कुछ अन्य हिस्सों की यात्रा के संबंध में अमेरिका सरकार द्वारा जारी किए गए कठित दिशा निर्देश की जानकारी नहीं है। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा उठाए गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि अमरीकी नागरिकों को देश में कुछ हिस्सों की यात्रा से बचने की ऐसी कोई दिशा निर्देश की जानकारी में नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पर्यटक बिना किसी भय के जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामला, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कथित रूप से मुंडा घोटाले के संबंध में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की है। श्री जोशी ने आज संसद से बाहर मीडिया के साथ बातचीत में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर घोटाले में शामिल है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25वें कारगिल दिवस के अवसर पर कल कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे। श्री मोदी सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री शीनकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य की वर्चुअली शुरुआत करेंगे। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ ने पूरे पूर्व द्रास
के लामोचेन पॉइंट पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस आयोजन में युद्ध के नायकों, रक्षाकर्मियों के रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के भव्य उत्सव की मेजबानी के लिए द्रास में युद्ध स्मारक पूरी तरह से तैयार है। कारगिल विजय दिवस का रजत जयंती समारोह कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान की याद में मनाया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन और मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल डोहोमा की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। अपना रेडियो 90.0 FM भारतीय जनसंचार संस्थान आइजोल द्वारा संचालित एक स्टेशन है। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि यह पहल अपना रेडियो स्टेशन के कवरेज क्षेत्र में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए रेलवे बजट के तहत रिकॉर्ड आवंटन किया है। इससे मिजोरम को अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी मिलने का लंबे समय से देखा गया सपना पूरा होगा। डॉ मुरुगन ने ऐसे स्टेशनों की सामाजिक रूप से लाभकारी प्रकृति पर प्रकाश डाला और कहा कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन अंतिम छोर तक सूचना संचार की प्रतिबद्धता के कारण स्थापित किए जाते हैं। श्री वैष्णव ने 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति पद पर अपने 2 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन स्थित डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के 9वीं कक्षा के छात्र को पराया। छात्रों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने आधुनिक दौर की विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा की। राष्ट्रपति ने छात्रों से लोगों को इन समस्याओं के बारे में आगाह करने और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में योगदान देने के लिए भी कहा। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने आज आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। श्री केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आसियान मैकेनिज्म बैठकों में हिस्सा लेने के लिए 3 दिन के दौरे पर लाओस के वियतियाना पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक दशक पूरा हो रहा है और भारत आसियान के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक है। विदेश मंत्री का वियतियाना में दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करने का भी कार्यक्रम है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज सुबह वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस को संबोधित किया। श्री नेतन्याहू ने फलिस्तीनी क्षेत्र में 9 महीने से अधिक संघर्ष के बाद बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बीच अमरीकी सहयोग विशेषकर हथियारों की आपूर्ति में मजबूती लाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम दूतावास का दौरा किया। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम की केंद्रीय समिति महासचिव गुयेन फू ट्रोंग को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका पिछले सप्ताह हनोई में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि आज सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ और मराठवाड़ा में अलग अलग स्थानों पर और मध्य प्रदेश में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा के कारण पुणे जिला एवं शहर के कई इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मुंबई के कुछ इलाकों में जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ है और उपन गरीय ट्रेन की सेवाएं भी देरी चल रही है। गुजरात में सूरत, नवसारी और वलसाड, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारत के पेरिस ओलंपिक अभियान की शुरुआत हो गई है। भारतीय तीरंदाज पेरिस के लेस एनवेलिट्स में निजी रैंकिंग दौड़ में स्पर्धा कर रहे हैं। महिलाओं का रैंकिंग दौड़ जारी है। इसके बाद शाम को पुरुषों के रैंकिंग दौर की शुरुआत होगी। तीरंदाज दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और भजन कौर महिलाओं की निजी स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में बजट 2024-25 पर चर्चा फिर शुरू। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर बजट पर राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर कल कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे। गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी। मौसम विभाग का अगले कुछ दिनों के लिए पश्चिमी और मध्य भागों में बहुत तेज बारिश का अनुमान।
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आसियान मैकेनिज्म की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर लाओस पहुंचे। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।